सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, स्वागत करते हैं और बार इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियल क्रिकेट 20 का बॉलिंग टिप्स। और ये सभी बॉलिंग टिप्स और ट्रिक्स आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, क्योंकि आप इस ट्रिक्स को और टिप्स को आजमाने के बाद आसानी से मैचेस को विन कर सकते हो। जी हां गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास खास ट्रिक बताने वाला हूं। ये ट्रिक ऐसी तो नहीं होने वाली दोस्तों कि आप जीरो रन देकर सभी के सभी विकेट ले, लेकिन मैं आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं उसे यूज करने के बाद आप RC20 में बहुत ही ज्यादा मैचेस विन कर सकते हो। जी हां गाइस, अगर आप रन नहीं दोगे, अगर आप टाइम पर विकेट ले लोगे तो आपके बहुत ही ज्यादा मैचेस जीतने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रिक्स और टिप्स को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर जरूर वॉच करते रहना। तो देख सकते हो यहाँ पर गाइस, मैंने पूरा का पूरा ओवर डाला है और इस ओवर में मात्र 2 रन दिए। जी हां गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर किया और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सिर्फ एक ही ओवर में, यानी कि 6 बॉल में, वो भी पावर प्ले में सिर्फ 2 ही रन दिए मैंने। आप देख सकते हो कितना बेस्ट इकोनॉमी रहा है। और जब ऐसे इकोनॉमी में रखते हो तो आपके विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन रन बनाने का सोचता है और इसी चक्कर में विकेट भी खो देता है। तो चले गाइस, अभी मैं आपको एक एक करके सभी ट्रिक बताता हूँ। तो गाइस, पहली टिप्स और ट्रिक्स ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पर फील्डिंग के हिसाब से आपको ज्यादातर बॉलिंग करना है। और सबसे पहले गाइस आपको बॉल सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हर डिलीवरी आपको बदल बदल के डालना है, जैसे कि आउट स्विंग, स्ट्रेंथ बॉल, आउट स्विंग, इन स्विंग, इसे आपको बदल बदल के बॉल डाल देना है। और एक बात ध्यान रखना है, हमेशा आपको ग्रीन बार में ही बॉल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रीन बार में बॉल को सिलेक्ट नहीं कर लेते हो तो आपके विकेट गिरने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर हो सकते हो, मैंने पहला बॉल वैसे डाला और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं दूसरा बॉल कुछ इस तरीके का डाल रहा हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको हर बॉल बदल बदल के डाल देना है, यानी कि बॉल का लेंथ आपको हर बार बदल बदल के डाल देना है। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बदल बदल के अगर आप बॉल डालते हो तो आपके बहुत ज्यादा विकेट गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मुझे आउट का चांस मिला है तो मैंने रिव्यू भी ले लिया है। जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, मैंने बहुत ज्यादा आउट स्विंग किया था बॉल और बैट्समैन को पूरी तरीके से बीट कर दिया था। जैसे कि गाइस यहाँ पर देख सकते हो, हमें पहला विकेट मिल चुका है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आउट लग चुका है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल इसी ट्रिक्स को आपको फॉलो कर लेना, क्योंकि इस ट्रिक को आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से मैचेस को विन कर सकते हो। जी हाँ गाइस, तो फाइनली हमें पहला विकेट मिल चुका है। तो जी गाइस, बिल्कुल आपको इसी टिप्स को फॉलो कर लेना है। नंबर 1 टिप्स गाइस, आपको फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग कर लेना है। नंबर 2, आपको हर बॉल बदल बदल के डाल देना है। और नंबर 3, यानी कि सबसे जो मेन है, आपको जो बॉलिंग डिलीवरी है वो आपको हर बॉल पे चेंज करते रहना है। यानी कि कभी आपको इन स्विंग बॉल रख लेना है और कभी आपको आउट स्विंग बॉल रख लेना है। जैसे गाइस आप रख सकते हो, मैंने बहुत ही ज्यादा डॉट बॉल डाल दिए। और गाइस एक बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है, विकेट गिरने के चांसेस तभी होते हैं तब आप ग्रीन बार पे ज्यादातर बॉल को पिच कर लेते हो। अगर आपने वैसा किया तो आप बहुत ही ज्यादा विकेट ले सकते हो। मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं दोस्तों, मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूं दोस्तों वो पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले में बहुत ज्यादा चांसेस है बैट्समैन को सिक्स मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टिप्स बता दे रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको बॉल डिलीवरी सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बदल बदल के बॉल आपको डाल लेना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आउट स्विंग करा रहा हूँ। और उसके बाद सबसे जो मेन ट्रिक है वो दोस्तों, आपको ग्रीन बार में बॉल को पिच कर लेना है। अगर आपको ग्रीन बार में पिच अगर नहीं भी कर लेते हो तो वहाँ पर आपको ग्रीन बार के आसपास से बॉल को पिच कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर बिल्कुल आपका डॉट बॉल जाने वाला है। और इससे होता क्या दोस्तों, बैट्समैन बहुत ज्यादा दबाव में आ जाता है और दबाव में आ जाने के चक्कर में शॉट खेलने की कोशिश करता है और वहीं पर अपना विकेट गवा देता है। जी हां गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, विकेट गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस था, मुझे लगा कैच ही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बॉल भी डॉट जा चुका है। तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी ओवर आपके सामने करके भी दिखा रहा हूँ। और गाइस आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो तो यहाँ पर हो सकते हो मेरे स्क्रीन पर ऐसी बाउंड्री जाने वाली है। और जब आप ग्रीन बॉल के पास पिच कर लेते हो तो आपका डॉट बॉल तो 100% जाने वाला है। गाइस आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको हर बॉल बदल बदल के डाल लेना है। हर बॉल का टप्पा, यानी कि हर बॉल का लाइन और लेंथ आपको बदल बदल के डाल लेना है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल डाल सकते हो। और गाइस आपको किसी भी हालत में विकेट अगर लेना ही है तो आपके थोड़े बहुत रन खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपके विकेट मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस सिंपल से आपको कुछ इस हिसाब से फील्डिंग लगा लेना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कुछ इस हिसाब से फील्डिंग लगाई है। तो अभी आपको बैट्समैन को थोड़ा ललचाना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर गैप है और बिल्कुल आपको वहाँ पर ही बॉलिंग डाल लेना है। और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको जो बॉल का जो पिचिंग है वो हमेशा ग्रीन लाइन पर ही होना चाहिए, तभी आपके विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपका पिचिंग ग्रीन बार में नहीं होता है तो आपको विकेट तो नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। लेकिन आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी मैं आपको ग्रीन बार में बॉल पिच करके दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रीन बार में ले, लेकिन ग्रीन बार के आसपास ही मैंने बॉल को पिच करा लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ही डॉट बॉल जा चुका है। तो गाइस आपको बोलना नहीं, ये मैच सिर्फ 10 ही ओवर का है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर डॉट बॉल डाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर कम ओवर का मैच होता है तो बैट्समैन बहुत ज्यादा आटंकी मूड में होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको डॉट बॉल डाल के दिखा रहा हूँ। अगर आप डॉट बॉल ज्यादा डालोगे तभी आप मैचेस ज्यादा जीत सकते हो। तो गाइस बिल्कुल आपको इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप आसान से रियल के 20 गेम को आसानी से जीत सकते हो, यानी कि आप हर मैच जीतने वाले हो। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो,
यहाँ पर बहुत ज्यादा विकेट गिरने का चांसेस था, लेकिन थोड़ा बॉल पीछे गिर गया। बिल्कुल आपको कुछ वैसे ही कर रहे दोस्तों, आपको सिंपल से यहाँ पर मैं लास्ट बार आपको दिखा देता हूँ, आपको सिंपल से यहाँ पर फील्डर के हिसाब से बॉल डाल लेना है और उसके बाद आपको उसी हिसाब से बॉलिंग डिलीवरी को चूज करना है और उसके बाद ग्रीन बार के आसपास से आपको बॉल को पिच कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो या तो फिर आपका बॉल डॉट जाएगा या फिर आपके विकेट गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस आपको इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है। अगर आप इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हो तो आप रियल क्रिकेट 20 गेम में आसानी से डॉट बॉल डाल सकते हो और विकेट गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इससे। तो कुल मिलाकर आप आज से 20 के मैचेस बहुत ही आसानी से जीत सकते हो। तो उम्मीद करो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने ऑल फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।